आई थिंक दिस मच पास्ता इज इनफ। बॉइल करने के लिए रख दिया है फॉर 10 मिनट्स। आई हैव मेड कैरेट, शिमला मिर्च, अनियन, इसको मैं पीसने वाली हूँ, गार्लिक और 2 चिलीज, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने जो रबड़ी बनाई थी तो उसी कढ़ाई में मैंने स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं उबलने के लिए, क्योंकि मुनिया मतलब मेरी जो फ्रेंड है वो शुगर नहीं खाती है, तो ये उसमें स्वीटनेस भी ऐड करेगा और टेस्ट को भी इन्हेंस करेगा। मैंने ये अनियन और चिलीज का पेस्ट बना लिया है। स्वीट कॉर्न जो थे वो बॉयल हो चुके हैं अच्छे से, तो मैं ये वाला जो वाटर है ना ये अच्छे से ही रखूंगी, क्योंकि मुझे पास्ता बनाने के लिए थोड़ा वाटर तो लगेगा ही, तो मैं यही वाले वाटर का यूज़ करूंगी क्योंकि इसमें मिल्क भी एडेड है ही। ऑयल ले लिया है, उसके बाद ये प्याज होने लग गया है, अब इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। सबसे पहले गार्लिक डाला था वो मैं डालना भूल गई, तो अभी मैं डाल रही हूँ गार्लिक। मैं गार्लिक डाल दिया है, मैंने 3 टमाटोज को चॉप करके रख लिया रफली। अब मैं इसको पेस्ट बनाने वाली हूँ। इसमें मैंने ये सारे वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं जो भी मेरे पास अवेलेबल थे। अभी मैंने स्वीट कॉर्न और पनीर नहीं डाला है, वो मैं बाद में डालूँगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। पास्ता में मैंने सॉल्ट डाल दिया था इसलिए इसमें थोड़ा सा कम ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये मैगी मैजिक मसाला अपने स्वाद अनुसार। जीरा वन काइंड ऑफ थिंग है, इसको भी मैं डाल रही हूँ। ये इसमें भी नमक है तो थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। ये हो गया है, अब इसमें मैं पनीर ऐड करने वाली हूँ। मैं ऐड करूंगी टमाटर वाली प्यूरी। अभी ये पक रहा है, इसके बाद जब ये एकदम इसमें से अच्छी पकने वाली खुशबू आने लगेगी ना, ये अभी कच्चा है टमाटर, फिर उसके बाद मैं स्वीट कॉर्न ऐड कर दूंगी। इट इज़ ऑलमोस्ट डन, बट मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा तो इसमें थोड़ा सा नमक कम है तो वो ऐड करूँगी, और ये जो स्वीट कॉर्न और वो मिल्क वाला पानी था ना वो इट विल ऐड मोर फ्लेवर इनटू इट। ये ऑलमोस्ट डन है, अमूल की क्रीम ऐड कर दूँगी, इससे और क्रीमीनेस आ जाएगा क्योंकि हम लोग चीज़ नहीं खाते हैं तो ये चीज़ी फ्लेवर देता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हो। ये डन है, अब इस जब मेरी फ्रेंड आ जाएगी ना तब मैं ये पास्ता इसमें पोर कर दूंगी और थोड़ा सा उसको गरम करके फिर सर्व करूंगी।